कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिहार TET का फॉर्म अब ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए पात्रता मापदंड पे मैंने क्लिक किया था, तो यहाँ पे सारे प्रक्रिया के बारे में आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ आवेदन प्रक्रिया, शुल्क संरचना, फीस, पात्रता मापदंड एवं परीक्षा की संरचना। तो आपको जिस लिंक पे जाना है वहाँ पे आप जाके इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ऊपर पे आपका यहाँ लिखा हुआ, यहाँ क्लिक करें तो बिहार प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017, जो कि बिल्कुल प्रशिक्षित लोग ही इस बार भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे जाके अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट बिहार आरंभिक प्रशिक्षित शिक्षक पात्रता 2017 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए अधिक जानकारी के लिए पात्रता मापदंड मानदंड देखें। क्या आप प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं तो यस कीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से बिहार प्रारंभिक जो भी प्रशिक्षित शिक्षक पात्रता है उसमें आवेदन करना है। उसमें क्या लगेगा स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पे ऑनलाइन BTET के पेपर या पेपर टू पर एवं पेपर वन और टू दोनों पे आप कर सकते हैं अप्लाई अगर आप BEd के कैंडिडेट हैं। उम्मीदवारों को सुझाव दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय हाल ही में स्कैन फोटो और हस्ताक्षर साथ होने चाहिए, और समान शिक्षकों को ETET के पेपर वन और पेपर टू अथवा दोनों पेपर के लिए अलग अलग पंजीकरण की जरूरत नहीं है, केवल एकल पंजीकरण ही जरूरत है, जिसके लिए आप उम्मीदवार सावधानी से जानकारी भरने के लिए सलाह दी जाती है यहाँ पर। और पंजीकरण के बाद परीक्षा चयन वैकल्पिक विषय के बारे में परिवर्तन करना संभव नहीं है। आप जो सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करेंगे उसी सब्जेक्ट के टीचर आप बनेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका साइज दिया है फोटो हस्ताक्षर, ये अच्छे से आप देख लें, साइट खोल के अच्छे से पढ़ लें। आवेदन शुल्क भुगतान है, जो आवेदन शुल्क है उसके बारे में भी अच्छे से यहाँ पे आपको दिखा हुआ है। शुल्क संरचना पृष्ठ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे खुद ब खुद ये 400 रुपया जो है आपका पेपर वन के लिए है, अगर दोनों पेपर आप देते हैं तो 600 रुपीज लगेंगे समान और अति पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए। और जो अनुसूचित ST SC हैं और निःशक्त हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप है, उनके लिए 200 रुपया चार्ज रखा गया है। तो इस साइट पे आप जाके अच्छे से सब कुछ पढ़ लें पहले, उसके बाद यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया में जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए आवेदन प्रक्रिया। तो यहाँ पे प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है स्टूडेंट सारा। अब देखिए स्टूडेंट्स नीचे आप पूरा अच्छे से पढ़ लें, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हेल्पलाइन नंबर जो यहाँ पे आपके जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में लिखा हुआ है वहाँ पे जाके आप इसको देख लें और कॉल कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आवेदक का जो लॉगिन है वो यहाँ पे किया हुआ है, तो सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक जाइएगा। तो आप क्योंकि आप नए हैं और अप्लाई नहीं किए हैं तो आप नवीन पंजीकरण पे जाके यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आप कर चुके हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। तो आप नहीं किए हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप बिहार प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षक पात्रता परीक्षा BTET पे जाके क्लिक करें और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यस करें। अब क्या होगा कि आपका फर्स्ट टाइम ये आ गया है, रजिस्ट्रेशन वन के बारे में लिखा हुआ है सारा। तो यहाँ पे जाके नीचे में प्रोसीड करें, प्रोसीड करेंगे तो फिर आपका नेक्स्ट पेज, तो बी रेडी विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर चाहिए आपको, तो ये सब चीज़ पहले से सेव कर लें। फोटोग्राफ सिग्नेचर मस्ट बी लेस देन 1 MB से आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है, यानी 1024 मतलब MB 1 MB यानी 1024 KB से छोटा होना चाहिए आपका फोटोग्राफ्स। अकाइंडली फिल करेक्ट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही सही भरे सारा फॉर्म का जो भी है डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आप जो एग्ज़ाम टाइप है तो पेपर वन वाले जो 1 to 5 में सिर्फ बैठेंगे तो वो सिर्फ 1 यहाँ क्लिक करेंगे, अगर जो दोनों में बैठेंगे तो यहाँ ये सिर्फ 2 में तो वो 2, अगर दोनों में बैठेंगे जो 6 to 8 और 1 to 5 दोनों में, अगर आप BEd किए हैं तो दोनों जरूर बैठिए स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं है कि 1 to 5 निकल जाएगा या 6 to 8 निकल जाएगा, तो कुछ भी निकल सकता है यहाँ पे, तो आप रिस्क ना लें, दोनों का दोनों फॉर्म फिलअप करें। और यहाँ पे आप अपना नाम जो भी एड्रेस है, पिता का नाम, मदर का नाम, मदर्स नेम लिखा हुआ है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। इसको अप्लाई करते वक्त ध्यान से आप अच्छे से एड्रेस और जहाँ पे स्टार है रेड कलर का वो बिल्कुल आपको फिलअप करना है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए स्टूडेंट्स फिलअप। तो फिर यहाँ पे उद्घोषणा में आप क्लियर कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस करते जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने अभी पूरा फॉर्म भरा नहीं है तो इसलिए ये यहाँ पे सेलेक्ट जो है सॉल्यूटेशन एंड एप्लीकेशन नेम यहाँ पे लिखा आ रहा है,
अगर मैं पूरा फिलअप करूँगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट ये होगा और बिल्कुल ये खुल जाएगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और इस साइट का नाम भी ऊपर पे दिया हुआ एड्रेस मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये साइट का नाम है www.bseb.online.net, बिल्कुल याद रखना है www.bseb.online.net। यहाँ पे जाके क्लिक करें और पहले फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद और भी जानकारी मैं देता रहूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।